सो हेलो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं जयपुर के सबसे ब्यूटीफुल पैलेस अल्बर्ट हॉल में। तो गाइस, वहाँ के बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वहीं चलकर बातें करते हैं। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल, जो कि सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले चलकर हम ले लेते हैं टिकट। तो ये है गाइज अल्बर्ट हॉल का एंट्री गेट। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान दर्शन ब्लॉग्स पर। तो गाइज चलते हैं अंदर। सामने जो आप देख रहे हैं वो है टिकट काउंटर। और गाइज, अभी 2021 में जो है टिकट है वो है ₹50 का। सो गाइज, टिकट मैंने ले लिया है, अब चलते हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर। तो गाइज, अल्बर्ट हॉल राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है, जो कि जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण भारत की अरबी शैली में किया गया है और इस बिल्डिंग का डिजाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया था और सन 1887 में इसे पब्लिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। और गाइज, इस बिल्डिंग का निर्माण जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया था टाउन हॉल के विचार से, परंतु माधव सिंह द्वितीय ने निर्णय लिया कि इसे जयपुर की एक कला संग्रहालय के रूप में बनाया जाए। और गाइज, इस संग्रहालय का नाम किंग एडवर्ड 7 ने दिया था, जो कि 6 फरवरी 1876 को जयपुर आए थे। और गाइज, अब आपको लेकर चलते हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर। तो सबसे पहले हम करवा लेते हैं टिकट चेकिंग। लीजिए अंकल। देन गाइज, अब चलते हैं जल्दी से अल्बर्ट हॉल के अंदर। और गाइज, अंदर चलते ही सबसे पहले हमें यहाँ का फर्स्ट हॉल दिखाई देता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए गाइज, गाइज हॉल के सामने ही लिखा है अल्बर्ट हॉल। और फिर गाइज, जयपुर के सभी राजाओं की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। जितने भी राजा राम सिंह के बाद जितने भी राजा है, उन सब की तस्वीरें यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, अगर आप नाम पढ़ पाओ तो, यहाँ पर सभी राजाओं की उनके कालक्रम अनुसार तस्वीरें लगाई गई हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये देखिए गाइस। देन गाइज, यहाँ अल्बर्ट हॉल के बारे में बेसिक जानकारी मेंशन की गई है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी। और फिर इस बिल्डिंग के डिजाइनर स्विंटन जैकब के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है।
और गाइज अब चलते हैं अल्बर्ट हॉल के सेकंड हॉल के अंदर जो कि इसका मेन हॉल है। और गाइज सबसे पहले हमें दिखाई देती हैं कालीन जो कि 1632 ईस्वी की चारबाग प्रकार की ईरानी कालीन है और इसकी खरीद आमेर के लिए राजा जयसिंह के समय में 1632 ईस्वी में हुई थी और इस कालीन की लंबाई 28x4 और चौड़ाई 12x4 है। ये देखिए गाइज ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और अब गाइज मैं आपको एक बार इस हॉल का पूरा राउंड व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइज यह है इस हॉल का पूरा व्यू, इसमें केवल कालीन ही रखी गई है और यह है कालीन दरगाह। और गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट हॉल के अंदर। और गाइज हॉल के जस्ट सामने रखी गई है नेपाल बुद्ध की प्रतिमा और फिर हमें बीच में दिखाई देता है एक पोर्ट और इस हॉल का एक पूरा व्यू जो कि इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ये देखिए गाइज। और गाइज अब चलते हैं बुद्ध प्रतिमा के पास जिसमें वो सभी देवी देवता मेंशन है जिनके आशीर्वाद से बुद्ध बने थे। और यहाँ नीचे लिखा है बुद्ध नेपाल। और फिर आ जाता है सत्सुमा की कोसान जो कि 19वीं सदी का एक काफी बड़ा पॉट है और उस पर काफी अच्छी पेंटिंग की गई है। ये देखिए गाइज। और फिर आ जाती है कुछ यूनानी शैली की तस्वीरें और उसके बाद है यूनान के कुछ योद्धाओं के डमी। ये देखिए गाइस। और गाइस फिर आ जाते हैं कुछ छोटे पॉट जो कि राजा महलों में सजाया करते थे। और गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट हॉल की तरफ जिसे हम प्रतिमा कक्ष भी कह सकते हैं। प्रतिमा कक्ष इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर उन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा रखी गई है जिनकी प्राचीन समय में राजा महाराजा पूजा किया करते थे। और गाइस ये है चामुंडा माता की प्रतिमा और इन सभी प्रतिमाओं को हाथ से निर्मित किया गया है और इतनी सफाई से किया गया है ना गाइस, सच में यार अमेजिंग। और उसके आगे हमें देखने को मिलती है ब्राह्मणी माता की प्रतिमा जो कि काफी सुंदर प्रतिमा है और ये प्रतिमा 11वीं और 12वीं शताब्दी की है। ये देखिए गाइस यहाँ पर काफी सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये देखिए गाइस ये पुरानी हो गई इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, बाकी अगर आप रियलिटी में देखोगे तो काफी सुंदर प्रतिमाएं हैं, काफी बारीकी से काम किया गया है इनके ऊपर। ये देखिए गाइस अब चलते हैं थोड़ा आगे। और गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट कक्ष की तरफ जो कि है अस्त्र शस्त्र दरगाह। और गाइस ये काफी अमेजिंग कक्ष है क्योंकि इसके अंदर जयपुर के सभी राजाओं के हथियारों को आज भी संभाल कर रखा गया है जिसमें तलवारें, छाती का कवच और कुछ बंदूकें भी शामिल हैं। ये देखिए गाइस। और फिर गाइस यहाँ पर एक राजा महाराजा कैसे तैयार हुआ करते थे वो एक डमी लगाया हुआ है। ये देखिए गाइस इस तरीके से राजा महाराजा अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हुआ करते थे और इस तरीके का ड्रेसअप उनका हुआ करता था। और गाइस अब चलते हैं आगे। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। की लग्यो ए मामा।
और गाइस अब चलते हैं अल्बर्ट हॉल के सेकंड फ्लोर पर, जहां सामने ही एक 17वीं शताब्दी का एक पोर्ट रखा है। ये देखिए गाइस, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं काफी सुंदर पोर्ट है। और गाइस हॉल के बीच में रखा गया है अल्बर्ट हॉल का एक छोटा सा डमी। ये देखिए गाइस, काफी सुंदर डमी है। और गाइस अब हम चलेंगे अल्बर्ट हॉल की एक स्पेशल जगह, जहां पर रखी गई है मम्मी। ये देखिए गाइस। और गाइस इस मम्मी का 2011 में एक एक्सरे किया गया था, जो कि इस मम्मी के पास ही लगाया गया है। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और गाइस ये होमोलिक युग की महिला है, जिसका नाम तूतू है, जो कि मिस्र देश के खेम देव की उपासना करने वाले पुरोहितों की महिला थी। इसकी मम्मी प्राचीन शहर पोनोलिस में मिली थी और बाद में इसे कैरो म्यूजियम में रखा गया, और जहां से इसे जयपुर लाया गया। और गाइस विशेषज्ञों द्वारा इस मम्मी की जांच समय समय पर की जाती है, और इसी के चलते 2011 में इसका एक्सरे भी किया गया था। और फिर आता है कॉइन कलेक्शन, जहां पर सभी राजाओं के द्वारा चलाए गए कॉइन्स को संभाल कर रखा गया है, जिसमें तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के और कुछ चांदी के सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए गाइज, ये है ताम्र सिक्के। और गाइज अब लेते हैं अल्बर्ट हॉल से एग्जिट। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।